नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में हनुमान जी को एकमात्र ऐसा देवता माना जाता है जिनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को दुख संताप और भय से मुक्ति मिलती है। लेकिन हनुमान जी की पूजा करना और हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर कई तरह की मान्यताओं का उल्लेख मिलता है। आप सबने अक्सर ऐसा सुना और देखा ही होगा कि महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती हैं और न ही उनकी पूजा कर सकती हैं। स्त्रियां केवल दूर से ही हनुमान जी के दर्शन करके उनकी आराधना कर सकती हैं। कहीं कहीं तो ये भी सुनने को मिलता है कि महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर सकती हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। शास्त्रों के अनुसार श्री राम भक्त हनुमान जी को संकट मोचन महाबली कहा जाता है, यानी कि हनुमान जी अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं। ऐसे में इनको लेकर एक मान्यता है कि महिलाओं को मारुति की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि स्त्री को हनुमान जी की पूजा करने से पूरी तरह से मनाही नहीं होती है। दरअसल बात यह है कि हमारे शास्त्रों में हनुमान जी को ब्रह्मचारी बताया गया है, इसलिए हनुमान जी प्रत्येक स्त्रियों को माता का स्वरूप मानते हैं। यही नहीं, स्त्रियों का उनके चरणों में झुकना उन्हें कदापि पसंद नहीं है, इसलिए ज्यादातर हनुमान मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश करने पर मनाही होती है। तो चलिए आपको बताते हैं वो खास नियम जिसकी पालना करना हर स्त्री के लिए जरूरी होता है। कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी के लिए लंबे अनुष्ठान नहीं रखने चाहिए, क्योंकि महिलाओं को हर माह मासिक धर्म की समस्या से गुजरना पड़ता है, जिसके दौरान व्रत आदि करने से स्त्रियों को मना किया जाता है। कहते हैं कि राजस्वला आने पर हनुमान जी की पूजा का कोई भी कार्य करना वर्जित होता है। बताते चलें कि महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही स्त्रियों को बजरंग बाण का पाठ भी नहीं करना चाहिए और भूल कर भी स्त्रियां हनुमान जी को वस्त्र आभूषण जैसी वस्तुएं न चढ़ाएं। अंत में आपको बताते हैं हनुमान जी की आराधना से जुड़े कुछ ऐसे काम जिन्हें महिलाएं भी कर सकती हैं। मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद महिलाएं हनुमान जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाएं हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकती हैं। यही नहीं, स्त्रियां चाहें तो वो हनुमान जी को अपने हाथों से बनाए गए प्रसाद का भोग भी लगा सकती हैं। इस तरह से हनुमान जी की पूजा करने से स्त्रियों को विशेष फल की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।